हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी उषा जेनोमी की मशीन। आज मैं आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस मशीन को बहुत ही सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसमें मुझे कोई भी किसी भी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स डिस्कस करूँगी कि इसमें हम किस किस तरह की स्टिचिंग कर सकते हैं और हम इसके धागा वगैरह कैसे डालते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगी। इस मशीन के साथ ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टिचिंग मशीन है, तो ये बिजली से ही चलेगी। आप इसको बैटरी या फिर हाथ से नहीं चला सकते। इसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है, इसका एक ये प्लग है जो कि मशीन में लगेगा। ये देखिए, इसका जो ये प्लग है ये हम यहाँ पर मशीन में लगाएंगे यहाँ से, और जो ये प्लग है ये हम अपने होल्डर में लगाएंगे। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये है ऊपर ऑन है, नीचे ऑफ है। ये अगर आप ऑफ करते हो तो ये मशीन नहीं चलेगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा जो सुई है यहाँ पर, ये ऊपर उठ जाती है और नीचे करोगे तो नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी रील डाल सकते हैं, ऐसे दो यहाँ पर होल्डर दिए गए हैं रील डालने के आपको, यहाँ पर और यहाँ पर आप अपनी रील डाल सकते हैं। और आप को अपने इसमें अगर धागा डालना है तो आपको इसको ऐसे लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको ऐसे कर देंगे और मशीन को चालू करोगे आप तो ये खुद ब खुद यहाँ पर धागा डल जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस मशीन पर आपको इतनी सारी तरह की स्टिचिंग आप ईजिली कर सकते हैं बिना किसी मेहनत की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी डी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी यही पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अगर आप यहाँ पर ए पर एडजस्ट करते हैं, ए पर, तो आपको इस तरह की मशीन चलेगी आपके कपड़े के ऊपर। अगर आप बी पर एडजस्ट करते हैं तो इस तरह की मशीन चलेगी, सी पर इस तरह की, डी ई एफ सब पर अलग अलग तरह की स्टिचिंग आप कर सकते हैं। यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके धागे की लेंथ की है। जितना कम आप लेंथ करोगे, अगर आप ज़ीरो करते हो तो बिल्कुल ही बारीक आपका धागा चलेगा, दो पे थोड़ा ज़्यादा, फोर पे आपकी लेंथ बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्टिचिंग की। और अगर यहाँ पर ये एसएस पे आप यहाँ पर पॉइंट रखते हो तो आपके ये वाली स्टिचिंग के जो डिज़ाइन है ये आप कर सकते हो। एसएस पे कर आप अपनी ए बी सी डी एडजस्ट करेंगे, आप यहाँ पर ए करोगे तो ये वाला डिज़ाइन आएगा, बी करोगे तो ये वाला डिज़ाइन आएगा, ऐसे ही सी डी ई एफ जी पर आप सब अपने डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब मीन्स एस एस पे करने से आप रेड वाले डिज़ाइन बना सकते हो, और बाकी यहाँ पर लेंथ वाले उस पर करके, और यहाँ पर ए बी सी डी एडजस्ट करोगे तो आप ये ब्लैक वाले जितने भी डिज़ाइन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप अपने किसी भी कपड़े पर या फिर जो भी आप सूट वगैरह स्टिच कर रहे हो वो आपका बन जाएगा। अब यहाँ रह गए हैं ये पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, ये किस चीज़ के हैं, इससे आप अपने काज बना सकते हैं, या शर्ट के काज बना सकते हैं, या फिर आपको सूट में काज बनाने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, वन के इस साइड में जो डार्क हुआ हुआ है, मीन्स आप काज के इस साइड वाली स्टिचिंग करोगे। यहाँ पर टू में आप उस काज के ऊपर वाली स्टिचिंग करोगे, फोर में काज के नीचे वाली, एंड थ्री में काज के इधर साइड वाली आप स्टिचिंग कर सकते हो। ये हो गए यहाँ पर इसकी फंक्शंस, दोनों बटन्स के फंक्शंस। अब ये देखिए, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, इससे आप अपने नीचे वाले धागे की एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक है, भी नीचे वाले धागे को आप किस तरह से एडजस्ट करोगे। ये जो बटन दिया गया हुआ है, इससे आप अपनी स्टिचिंग जब कर रहे होंगे, आपको अपने डबल सिलाई लगानी है, मतलब बैक साइड में आपको जाना है, तो आप इस बटन को प्रेस करके आपकी मशीन पीछे की तरफ चलने लग जाएगी, बैक चलने लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपको नीचे धागा डालना है तो आप कैसे डालोगे, इसको यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से इसको ओपन करना है। अब आप अपना धागा लीजिए यहाँ ऐसे, यहाँ पर आप अपना धागा ऐसे डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये थे इस मशीन के सभी पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में इस मशीन के सारे वर्किंग आपको करके बताऊंगी। मैंने इस वीडियो में इसलिए वर्किंग नहीं बताई क्योंकि एक ही वीडियो में सारे चीज़ बताने से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारी वर्किंग आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।